गाइस, आपको किस टाइप की सीरीज देखना पसंद है? सस्पेंस, माफिया वायलेंस, बिट्रेल, कॉम्प्लिकेटेड फैमिली टाइज या क्राइम वाली? आज मैं आपको अपनी टॉप 5 इंडियन क्राइम थ्रिलर सीरीज रिकमेंड करने वाली हूँ जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। पहली है सीक्रेट गेम्स। ये एक एपिक गैंगस्टर सीरीज है जहाँ सरताज सिंह यानी सैफ अली खान एक ट्रबल्ड कॉप है जो अपनी ऑनेस्टी के चक्कर में फंस गया है। सब कुछ तब बदल जाता है जब गैंगस्टर गाय टोंडे यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आता है जो 16 सालों से गायब था। गाय टोंडे बोलता है कि 25 दिन में मुंबई तबाह हो जाएगी और सरताज को इस सफर में रॉ ऑफिसर अंजलि माथुर यानी राधिका आप्टे की मदद मिलती है। नेक्स्ट इज द फैमिली मैन, एक एक्शन ड्रामा सीरीज जहाँ श्रीकांत तिवारी यानी मनोज वाजपेयी एक मिडिल क्लास गाय है जो एक वर्ल्ड क्लास स्पाई भी है। वो अपनी फैमिली और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की स्पेशल सेल की सीक्रेटिव ड्यूटीज के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। थर्ड इज मिर्जापुर, स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल और विक्रांत मासी। ये सीरीज मिर्जापुर के लॉलेस टाउन में सेट है जहां कालीन भैया त्रिपाठी और उसकी फैमिली इलीगल ट्रेड पर राज करते हैं। स्टोरी पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल्स, वेंजेंस और ग्रीड से भरी है और कैरेक्टर्स क्राइम और करप्शन के वर्ल्ड में फंसे हुए हैं और इससे बचने की कोशिश करते हैं। फोर्थ इज असुर, वेलकम टू योर डार्क साइड, स्टारिंग अरशद वारसी, वरुण सोपटी और रिधि डोगरा। ये सीरीज फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम की कहानी है जो एक डेंजरस सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लास्ट इज पाताल लोक, जो एक फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट पर फोकस करता है और पुलिस और पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन को एक्सपोज करता है। कॉप हाथीराम चौधरी यानी जयदीप अहलावत, जैसे जैसे वो केस में डीपर जाते हैं वैसे वैसे वो अंडरवर्ल्ड के डार्क रेल्म्स में फंस जाता है। पाताल लोक स्वर्ग, धरती और पाताल यानी कि हेवन, अर्थ और हेल के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है जो इंडिया के डिफरेंट क्लासेस और फोर स्टेट्स का मेटाफर है। नेक्स्ट सीरीज और मूवी रिकमेंडेशंस के लिए स्टे ट्यून्ड।